देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने दिया है करप्शन क्राइम और कमीशन। यह करप्शन क्राइम और कमीशन ही कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस ने कर्नाटक को तबाह और बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। यह कांग्रेस केवल तोड़ने वाली पार्टी है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोड शो कर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने विधानसभा हुक्केरी में भाजपा प्रत्याशी निखिल कट्टी, गोकक विधानसभा में रमेश जारकोहली और रामदुर्गा विधानसभा में चिक्का रेवन्ना के समर्थन पर सभाओं को संबोधित कर जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबको न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, वोटों के लिए धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इस देश में एससी का रिजर्वेशन हो सकता है, एसटी का रिजर्वेशन हो सकता है, पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन हो सकता है, सामान्य वर्ग के गरीबों का आरक्षण हो सकता है, लेकिन बताओ धर्म के आधार पर आरक्षण हो सकता है क्या? संविधान में प्रावधान ही नहीं है, लेकिन वोट की खातिर धर्म के आधार पर कांग्रेस ने आरक्षण दे दिया। हमने इसे समाप्त कर एससी एसटी लिंगायत और वोकालिंगा का आरक्षण बढ़ाया है, लेकिन कांग्रेस तो वोट के लिए कितनी भी गिर सकती है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण क्या है, वोट के खातिर आप देश को तोड़ने की साजिश करोगे। उन्होंने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो छोटे छोटे से देश हमें डराते थे, दुनिया में कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय मोदी जी के कारण हमारे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल आए। सूडान में भी इसी तरह की पहल से 300 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी हर असंभव को संभव बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस के जमाने में आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद साफ कह दिया है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर छेड़ा तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखिए जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से कमल राजपूत की ये खास रिपोर्ट। और वैसे भी कांग्रेस की हालत खराब है। एक तरफ डीके शिवकुमार, दूसरी तरफ सिद्धरमैया जी, और बीच में लगते हैं खड़गे जी। ये खड़गे जी बलि का बकरा है, बलि का बकरा समझते हैं। इनको पता है मैडम सोनिया गांधी को कि कांग्रेस तो हारने वाली है, तो हार का ठीक रहा किसके मत्थे फोड़ेंगे, बलि का बकरा कौन बनेगा वो फाड़ के जाए खड़गे जी। ये इसलिए खड़गे जी की सुनता कौन है? चलती मैडम की है। बीच में छत्तीसगढ़ गए थे खड़गे जी, तो छत्तीसगढ़ में छापा निकाला, मैडम के सिर पर लगा दिया, बेचारे खड़गे जी धूप में तपते रहे। कांग्रेस की हालत खराब। मेरे बहनों और भाइयों, देखो कांग्रेस आई तो पीएफ आई, समझ लेना आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी। पीएफ आई जैसे संगठन को मजबूती देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस आई तो पीएफ आई, और भाजपा आई तो प्रोग्रेस लाई, डेवलपमेंट लाई, विकास लाई। अब पीएफ आई चाहिए कि प्रोग्रेस चाहिए, आप तय कर लो मेरे बहनों और भाइयों। कांग्रेस आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन, और भाजपा आई तो कल्चरल कंजर्वेशन। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। कांग्रेस आई तो दंगे ही दंगे, और भाजपा आई तो सभी भले चंगे। कांग्रेस में केवल दंगों का है, जाने को बदेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कभी दंगे नहीं हो सकते। कांग्रेस आई तो तुष्टीकरण, भाजपा आई तो संतुष्टीकरण, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस आई तो क्राइम और करप्शन, भाजपा आई तो डेवलपमेंट सेटिस्फेक्शन। प्रगति होगी, विकास होगा, आगे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, किसान के घर में खुशहाली आएगी, और माँ बहन और बेटी का सम्मान और इज्जत बढ़ेगा। लंबा सबका साथ सबका विकास मंत्र का स्फूर्ति यादव भगवान बसवेश्वर
अवरिगे नमस्कार आ गरू एलरूलन नमस्कार एलर हेगिदिरा कर्नाटक के बंधु ननगे बहुत खुशिया गुत्ती दे रामदुर की तो बात ही क्या है, यहां तो भगवान राम आए थे और दो दिन रहे थे, इसलिए मेरा सौभाग्य आज इस पवित्र धरती पर आया हूं। नानू मध्यप्रदेश दल्ली एल मत लेगे मामना गिद्दे ने कर्नाटक दल्लू मत लेगे मामना गुद्दे ने रामदुर के मेरे बहनों और भाइयों मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि झूठे वादों के चक्कर में मत आ जाना, ये भस्मासुर है कांग्रेस के लोग, अगर इनको वरदान दे दिया तो याद रखना ये जनता को भस्म करने की कोशिश करेंगे।